हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये भी क्या है? एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो किसमें देखा जाता है? चाइल्ड में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है, आइए देखते हैं हम पाइलोरिक स्टेनोसिस डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे फर्स्ट, पाइलोरिक स्टेनोसिस इज वन ऑफ द कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम इन इन्फेंसी। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम है ये। और कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है? सर्जिकल। इसमें क्या है, हम मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हैं। हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर्जिकल के थ्रू, सर्जरी के थ्रू। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज मार्क्ड एंड प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ और एनलार्जमेंट ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर्स ऑफ पाइलोरस कॉजिंग पार्शियल और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक आउटलेट्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ हो जाती है किसकी, मसल्स की। मसल्स की क्या हो जाएगी, ओवरग्रोथ हो जाएगी कहां पर, स्टमक में, जिसके कारण क्या हो जाएगा वहां पर, एनलार्जमेंट ऑफ द सर्कुलर मसल्स फाइबर्स। सर्कुलर मसल फाइबर्स की ओवरग्रोथ होने के कारण क्या होगा, जो स्टमक हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा कहां पर, पाइलोरस वाले पार्ट्स में क्या होगा, स्टमक का साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, कॉजिंग पार्शियल और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक आउटलेट्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन। जो ल्यूमन है, ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा और पार्शियली और टोटली क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसमें, स्टमक में। क्या है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये एक क्या है, इन्फेंट में होने वाली एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर्स हैं, मसल्स फाइबर्स जो पाइलोरस में मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, ओवरग्रोथ हो जाएगी। ओवरग्रोथ होने के कारण स्टमक में जो पार्ट होता है पाइलोरस का, पाइलोरस वाले पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टोटली एंड पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टमक में जो स्टमक है वहां पर क्या होगा, फूड कंटेन क्या होने लगेंगे, कलेक्ट होने लगेंगे और फूड कंटेन क्या होंगे, आगे ड्यूओडेनम में पास आउट नहीं हो पाएंगे, रीगर्जिटेशन होने लगेगा। इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। आइए हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये क्या है, स्टमक है। स्टमक पे हमारा ये कौन सा पार्ट होता है, ईसोफेगस। ये यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्या, स्टमक। स्टमक में सबसे अपर पार्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, अपर पार्ट्स को। स्टमक का सबसे अपर पार्ट हो गया क्या, ईसोफेगस, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये थ्री पार्ट्स क्या होते हैं और इसको हम बोलते हैं पाइलोरस केनाल। यहां पर क्या होते हैं, मसल्स स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं यहां पर। तो ये हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरस। पाइलोरस में क्या हो जाएगा, यहां पर मसल्स जो हैं उसमें क्या हो जाएगा, ओवरग्रोथ देखने को मिलेगी। जो मसल्स फाइबर्स हैं वहां पर क्या होगी, ओवरग्रोथ हो जाएगी। ओवरग्रोथ होने के कारण क्या होगा, ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, टोटली एंड पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जो फूड कंटेन है, फूड कंटेन क्या होंगे, आगे पास आउट नहीं हो पाएंगे और जो भी फूड कंटेन है उनका वापस क्या होने लगेगा, रीगर्जिटेशन होने लगेगा। इसी को बोलते हैं हम पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये किसकी कॉमन प्रॉब्लम है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। देखेंगे मैटरनल स्ट्रेस। अगर प्रेगनेंसी टाइम पर मदर के वूम में क्या है, बेबी प्रेजेंट है, उस टाइम पर अगर मदर ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, किसी भी चीज का कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, फीटस के
ग्रोथ को, फीटस के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, मैटरनल स्ट्रेस के कारण भी क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस होंगे, देन हो जाएगा एलिवेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल। प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल है, अगर प्रेगनेंसी टाइम पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल होता है, जो हार्मोन होता है, वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल एलिवेटेड मतलब कि ज्यादा हो जाएगा, दैट रीजन से भी क्या होगा, पायलोरिक स्टेनोसिस होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमैच्योर पायलोरिक गैंग्रेनिक सेल। अगर क्या है इमैच्योर, वहां पर जो गैंग्रेनिक सेल प्रेजेंट होती है, अगर वो क्या है इमैच्योर है, जिसके कारण भी क्या होगा, पायलोरिक वाले पार्ट पे गैंग्रेनिक सेल क्या है इमैच्योर है, दैट रीजन से भी क्या होगा, पायलोरिक स्टेनोसिस कॉज होने के चांसेस होंगे। देन एबनॉर्मल मसल्स इंटरवेंशन क्या है, अगर वहां पर जो मसल्स हैं, मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो चुकी है, एबनॉर्मल मसल्स हैं, तो दैट कंडीशन भी क्या होगा, पायलोरिक स्टेनोसिस कॉज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स कोई भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, जैसे कि अभी हमें लिया था मैटरनल स्ट्रेस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल क्या हो जाता है एलिवेट हो जाता है, ऐसे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, सर्कुलर मस्कुलेचर ऑफ द पाइलोरस, इससे जो पाइलोरस में क्या है सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी एंड साइज एंड शेप में क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, थिक हो जाएंगी और क्या होगा, साइज एंड शेप में इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब उनका साइज और शेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पाइलोरिक मसल्स इनलार्ज, बढ़ गया मतलब जो पाइलोरिक मसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, इनलार्ज हो गई हैं। इनलार्ज होने के कारण क्या होगा, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन, जो ल्यूमन होता है हमारे स्टमक का, तो जो बेबी का ये ल्यूमन है ये क्या हो जाएगा, ये ल्यूमन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो क्या हो गई, ओवरग्रोथ कर गई हैं, ग्रोथ ज्यादा हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर जो पाइलोरस वाला ल्यूमन पार्ट है, ल्यूमन वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद स्टमक बिकम डायलेटेड, तो स्टमक क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, फूड कंटेंट जो भी बेबी ले रहा है वो आगे डियोडेनम में पास आउट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो स्टमक है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, जिसके कारण जो कॉज होगा, जो डिजीज कंडीशन कॉज होगी वो क्या होगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स पाइलोरिक स्टेनोसिस के, जो बेबी होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब कि जो बेबी होगा वो क्या होगा, अगर कुछ भी फूड इनटेक कर रहा है, मिल्क हो गया, जूस हो गया, अगर कोई भी डाइट ले रहा है, तो वो क्या होगा, फोर्सफुली बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वॉमिटिंग होती है वो क्या होती है, फोर्सफुली वॉमिटिंग होती है, एकदम प्रेशर के साथ क्या होता है, जो फूड कंटेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, तो वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। फिर नेक्स्ट हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, क्योंकि फूड कंटेन है वो क्या हो रहा है, स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्यों होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो जो बेबी है, बेबी का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या देखने को मिलेगा, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी। देन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मीन्स फूड का डाइजेशन नहीं होगा। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड कंटेन है वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फ्लूइड कंटेन नहीं मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल रहे हैं, डाइट नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, बेबी का धीरे धीरे वेट लॉस होते जाएगा। फिर क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलेगा। देन फेलियर टू थ्राइव मीन्स होता है पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो बेबी है, बेबी का क्या होगा, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि उसकी बॉडी को क्या हो रहे हैं, फूड कंटेन नहीं मिल पा रहे, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण उसका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो क्या होगा, पुअर होगा। उसके कारण फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा, इरिटेबिलिटी एंड फटीग, जो बेबी है या जो भी चिल्ड्रन से वो क्या फील करेगा,
इरिटेट हो जाएगा अपनी डिजीज कंडीशन को लेकर, क्योंकि उसके साथ इतने सारे सिम्टम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या होगा, खुद में इरिटेट फील करेगा और क्या होगा, उसको फटी होगा। तो ये थे सिम्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एंड इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी बेबी है उसके मदर, मतलब मदर एंड फादर मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास्ट मेडिकल, सर्जिकल, ऑक्यूपेशनल, डाइटरी पैटर्न, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, मतलब जो जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ था उससे पहले मदर जब क्या थी, एंटीनेटल पीरियड में थी, एंटीनेटल पीरियड टाइम की हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके थ्रू क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डिजीज कंडीशन को कि क्या रीजन है जिसके कारण पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉज हुआ है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, पैराटेलसिस मूवमेंट देखेंगे, देन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बाउल साउंड देखेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। देन आ जाता है एक्सरे क्या है, एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गन का एक इमेज निकाला जाता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उस ऑर्गन में या उस साइट पर कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, इन्फेक्शन के साथ कोई फ्लूइड कलेक्शन, एयर कलेक्शन, या मसल्स में ओवर ग्रोथ, क्लॉटिंग, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सरे एक इमेजिंग टेस्ट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्टमक का इमेज निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो पाइलोरस वाले पार्ट पर है वहां पर मसल्स ओवरग्रोथ कितना हुआ है, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है यूएससी। यूएससी में क्या किया जाता है, एक अल्ट्रासोनोग्राफी है। इसमें भी हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं किसी भी ऑर्गन को जहां पर डिफेक्ट प्रेजेंट है। देन बेरियम फीडिंग, बेरियम फीडिंग देंगे बेबी को। देन ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी बेबी है उसका एचबी लेवल, प्लेटलेट्स काउंट, ये सारी चीजों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन में हम प्रोटीन्स देखेंगे, सारे जो लेवल्स होते हैं यूरिया लेवल, ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे किसको, पाइलोरिक स्टेनोसिस को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एक ये बेबी में होने वाली क्या है, कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसे हम सर्जरी के थ्रू ही क्या करते हैं, क्योर करते हैं। तो इसमें हम अगर मेडिकल मैनेजमेंट देते भी हैं तो बेबी को अगर पेन हो रहा है तो हम पेन से रिलीफ करने के लिए हम उसको पेन किलर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक। देन अगर ज्यादा ही इन्फेक्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फीवर की कंडीशन है, अगर बेबी को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उससे प्रिवेंट करने के लिए हम या फिर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, पैरासिटामोल हो गया, एंटीबायोटिक ड्रग्स। इसके अलावा, इसके अदरवाइज हम कोई भी ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम थ्री केयर्स प्रोवाइड करते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो इसमें हम सर्जरी क्या करेंगे, पाइलोरेक्टोमी, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, पाइलोरेक्टोमी। पाइलोरेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो भी ओवरग्रोथ होती है ना, जो भी ओवरग्रोथ है किसकी, मसल्स फाइबर की, उन ओवरग्रोथ मसल्स फाइबर्स को क्या किया जाता है, रिमूव आउट किया जाता है, रिमूव आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मसल्स फाइबर्स है इनको क्या किया जाता है, कट करके हम क्या करेंगे, इसको रिमूव आउट करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा मसल्स फाइबर्स हैं वहां पर, जिसके कारण क्या हो गया, जो पाइलोरिस वाला पार्ट हो गया वो थिक हो गया है एंड स्टमक क्या हो गया है, डायलेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, मसल्स फाइबर्स को रिमूव आउट करते हैं और हम क्या करते हैं, फिर से सेम पोजीशन में हम स्टमक को क्या करते हैं, ले आते हैं। तो ये था पाइलोरिक स्टेनोसिस, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर्स। तो आप लोगों को पता है प्री ऑपरेटिव केयर में हम सर्जरी के पहले जो भी केयर्स प्रोवाइड करते हैं वो आ जाता है हमारा प्री ऑपरेटिव में। इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव केयर मीन्स जब हम बेबी या किसी भी पेशेंट को कहाँ लेकर जाते हैं, ओटी में लेकर जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, उस टाइम पर हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं, जिन भी चीजों को मेंटेन करते हैं, वो आ जाता है इंट्रा ऑपरेटिव, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन, एनेस्थीसिया,
ये सारी चीजें, अगर बीपी फॉल आ रहा है वहां के लिए हम क्या करेंगे, मेडिकेशंस जो भी प्रिपेयर करते हैं और जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो आ जाता है इंटर ऑपरेटिव, देन पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, आफ्टर सर्जरी हम जो पेशेंट को केयर देते हैं वो आ जाता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। उसमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले पेशेंट्स का वाइटल साइन चेक करते हैं। वाइटल साइन चेक करने के बाद जिस भी साइट पर ऑपरेशन या सर्जरी हुई है, सर्जरी परफॉर्म हुई है, उस साइट पर किसी भी टाइप के कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को तो नहीं मिल रहे। कॉम्प्लिकेशन मीन्स रेडनेस हो गया, सूचरिंग ओपन तो नहीं हो रही, ब्लीडिंग तो नहीं है, पस फॉर्मेशन तो नहीं है, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं। देन आ जाता है हमारा, इसमें हमें ऑपरेशन थिएटर में वार्ड में शिफ्ट करने से पहले पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट का बेड प्रिपेयर करना होता है। पेशेंट के बेड प्रिपेयर करने के साथ उसकी बेड साइड ट्रॉली रेडी करनी होती है, उसके क्लॉथ्स, उसके बेड सेट्स, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल बेड, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पाइलोरिक स्टेनोसिस। आगे हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितने से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।